गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सातवीं क्लास के बच्चे हमारे आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे वापस से इंग्लिश। इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं हमारा 12वां चैप्टर। इसके पहले हम 11वां देख चुके हैं जिसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट देखें क्रिकेट। तो चलो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम क्रिकेट। तो फॉर अ हेल्दी एंड यूजफुल लाइफ गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी एज वर्क। तो एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे लाइफ में जितना इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी काम है उतना ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी और क्या है, यहाँ पे गेम्स बताए गए हैं। टेकिंग पार्ट इन देम इज़ अ गुड पास्ट टाइम एज वेल एज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो गेम खेलना ये क्या है, एक बहुत अच्छा टाइम पास तो है ही, उसके साथ क्या है, उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ, और एक्सरसाइज क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नॉट ओनली डू दे रिफ्रेश आर माइंड एंड आर बॉडी बट दे ऑल्सो टीच अस टू वर्क एज अ टीम, टू ओबे द रूल्स, टू हेल्प अदर्स एंड टू बी ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। तो ये जो गेम है ये हमारे माइंड और बॉडी को रिफ़्रेश ही नहीं करते हैं, तरोताज़ा ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ वो हमको टीम में काम करना, मतलब एक साथ काम करना भी सिखाते हैं, जो रूल होते हैं उनका पालन करना सिखाते हैं, दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, और हमें ऑनेस्ट यानी ईमानदार और पंक्चुअल यानी समयबद्ध होना सिखाते हैं। क्यों, जो भी गेम होते हैं वो। Besides, the teachers to be neither very happy to win or very sad to lose. तो साथ साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें जीतने पे ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और हारने पे ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। The games which are played inside a building are called indoor games. तो ऐसी games जो कि हम घर में building में ऐसी कई जगह पे खेल सकते हैं उसको हम बोलते हैं indoor games. सम ऑफ देम आर टेबल टेनिस, उसमें से कौन कौन से हैं, उसमें से कुछ हमें यहाँ पे बताए गए हैं जो कि क्या है, जैसे कि टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्नूकर, चेस, लूडो, ऐसे हमें यहाँ पे गेम बताए गए हैं। और फिर यहाँ पे इसका क्या बोला, द गेम्स विच आर प्लेड इन द ओपन एयर आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। तो ऐसी यहाँ पे गेम्स है जो कि हम खुले मैदान में खेलते हैं वो क्या होती है, आउटडोर। जो हम अंदर खेल सकें घर में वो इंडोर, जो हम बाहर खेल सकें वो आउटडोर। इन मतलब अंदर, डोर मतलब दरवाज़ा बंद करके अंदर खेल सकें वो इंडोर, दरवाज़ा खोल के बाहर जाके खेल सकें वो आउटडोर। सम ऑफ देम आ, उसमें से आउटडोर में से कुछ हमें क्या बताए गए हैं, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब में से एक हमें बताए गए हैं। तो अब हम इतने सारे गेम हमें बताए गए, गेम के फ़ायदे बताए गए, इंडोर आउटडोर कौन कौन से होते हैं वैसे बताए गए हैं, तो अब आगे क्या बताया गया है वो देखते हैं ज़रा। तो अब आगे हमें बताया गया है क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के बारे में क्या बोला है, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम। तो इसके पहले हमें लिखा था क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, क्रिकेट क्या है, ऐसा खेल है जो कि हम बाहर खेल सकते हैं। इट इज़ प्लेड इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, ये क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ में खेला जाता है, साथ ही कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बावे, केन्या, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़, ऐसे ही बहुत सारी देश हैं जिनमें ये खेला जाता है। इट इज़ मोर पॉपुलर दैन मोस्ट अदर गेम्स, ये क्या है, बहुत पॉपुलर है बाकी गेम्स के अलावा, इन सम कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में बाकी खेलों के अलावा तो क्या है, क्रिकेट ही फेमस है। इट इज़ यूजली प्लेड बाय बॉयज़ एंड मैन, ज़्यादातर ये लड़कों के द्वारा, आदमियों के द्वारा खेला जाता है, एंड नॉट बाय गर्ल्स और वीमेन, लड़कियों के द्वारा और औरतों के द्वारा कम खेला जाता है। द मेन थिंग्स नेसेसरी फॉर प्लेइंग क्रिकेट आर अ क्रिकेट ग्राउंड, सबसे मोस्ट नेसेसरी थिंग क्रिकेट के लिए क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है, टू बैट्स हैं, दो बैट चाहिए, अ बॉल, एक बॉल चाहिए, छः स्टंप चाहिए, सिक्स स्टंप्स, टू पेयर ऑफ बेल्स, हमें दो यहाँ पे बेल्स चाहिए, फिर क्या चाहिए, बेल, बेल मतलब क्या होता है, दो जोड़े बेल्स के चाहिए हमको, लेग पैड चाहिए, हेलमेट चाहिए और बैटिंग के ग्लव चाहिए, ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए। तो अगर हमें पूछे क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए तो ये सब हम बता सकते हैं।
फिर आगे हमको कहा गया है द क्रिकेट ग्राउंड शुड बी एज स्मूथ एंड लेवल एज पॉसिबल। तो जितना हो सके उतना ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ना स्मूथ समतल होना चाहिए एंड नॉट टू स्मॉल इधर ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ कैन नॉट यूजली चूज देयर ग्राउंड। कितने बार ऐसा होता है हम क्रिकेट खेलने जाते हैं लेकिन हम क्या नहीं कर पाते हमको ग्राउंड ही नहीं मिलता है। सो दे हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर प्ले ग्राउंड दे कैन गेट। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई जो मिलता है उसमें काम चलाना पड़ता है। क्या करें भाई जो है उसी में काम चलाना ही पड़ेगा। आगे कहा गया है तो इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड अ लेंथ ऑफ 22 yards मस्ट बी मेजर्ड। तो जब ये हो जाता है इनको ग्राउंड मिल जाता है तो उसके बीचों बीच ये क्या करते हैं 22 yards मतलब 22 गज की लंबाई नापते हैं। एंड द स्टम्प्स मस्ट बी स्टक अप और पिच्ड एट ईच एंड ऑफ इट। 20 गज की लंबाई नापते हैं उसके बाद क्या करते हैं ए 20 गज के एक 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 छोर पे क्या करते हैं स्टंप लगा देते हैं। ईच साइड ऑफ पिच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टंप्स। हर साइड पे क्या है 3 स्टंप और 2 बेल उसके ऊपर लगाए जाते हैं। एंड द स्टंप्स मस्ट बी क्विक सॉरी स्टक इन द ग्राउंड जस्ट नियर इनफ टू वन अनदर फॉर द बेल्स टू रेस्ट ऑन द टॉप। अब हमें जो स्टंप है अब हमें क्या है अब हमें वहाँ पे जो स्टंप है वो लगाने पड़ते हैं। और किस तरह से लगाने हैं हमें 3 स्टंप वहाँ पे ऐसे लगाने हैं ताकि उसके ऊपर जो 2 बेल है ना वो हम उसके लगा सकें। फिर हम क्या करें उसके ऊपर वो बेल उनके जो डंडियाँ हैं छोटी छोटी वाली वो हम लगा सकें। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं ये देखो इधर हमें ये स्टंप दिखाया ना ऐसे हमें तीनों पास पास खड़े करने ताकि यहाँ ऊपर में हम इनके बेल लगा सकें। तो आगे द स्ट्रेट लाइन शुड बी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड एट द राइट एंगल टू इट्स लेंथ। अब हमें क्या है वहाँ पे क्या करना है लाइन शुड बी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है लाइन मार्क की होनी चाहिए टू फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द विकेट। ये हमारे विकेट बनते हैं इनके आउटसाइड पे 2 लाइन बनानी चाहिए 1 yard इन लेंथ और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 गज एंड 2-4 feet इन फ्रंट ऑफ द विकेट। विकेट के सामने 2-4 feet की होनी चाहिए। दीज लाइन्स नॉट बी ऑफ एग्जैक्ट लेंथ। ये क्या है एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती बट शुड बी रेदर लॉन्गर देन द अदर्स एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। दीज लाइन आर कॉल्ड क्रीजेस। इनको हम क्या बोलते हैं क्रीज बोलते हैं। एंड दोज एट द विकेट्स आर कॉल्ड बॉलिंग क्रीजेज। और जो विकेट के पास होती है वो क्या होती है बॉलिंग क्रीज होती है जहाँ से बॉलिंग होती है। द प्लेयर्स मस्ट बी डिवाइडेड फॉर अ साइड इस साइड जो अलग अलग साइड पे प्लेयर डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं साइड्स कहलाते हैं। द यूजुअल नंबर फॉर अ साइड इज 11। एक साइड के जो प्लेयर होंगे उनके 11 संख्या होनी चाहिए। बट देयर मे बी मोर ऑफ फीवर ऑन ईच साइड। तो क्या ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। बिफोर बिगिनिंग टू प्ले खेलने के पहले विच साइड इज टू गो इन फर्स्ट मस्ट बी डिसाइडेड। और सबसे पहले कौन खेलेगा ये डिसाइड करना ज़रूरी है। दिस इज़ यूजली डन बाय टॉसिंग अ कॉइन। और ये कैसे डिसाइड होता है कॉइन का को उछाल के ये डिसाइड होता है। तो हमें अभी तक इतना पता चल गया है क्रिकेट क्या है कहाँ कहाँ खेला जाता है क्या क्या ज़रूरी है ग्राउंड कैसा होना चाहिए स्टंप कैसे लगाना है क्रीज कैसे सेट करना है फिर उसके बाद प्लेयर कितने होने चाहिए और कौन खेलेगा। सबसे पहले डिसाइड करने के लिए हम कॉइन उछाल के टॉस करते हैं और इसके बाद क्या क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।